एक बीबी मसला पूछने आई, बड़ा परेशान कर गई। लोगों ने कहा हुजूर बीबी, फरमाने लगे मैंने घर के अंदर जगह बनाई हुई थी, एक पर्दा लटकता था, इस तरफ मैं बैठता था, उस तरफ अगर कोई औरत मसला पूछने आती तो पर्दे के उस पार बैठ के वो बात करती। तो मेरे बेटे ने मुझे आके बताया कि एक बूढ़ी औरत आई है बाहर मसला पूछने। तवज्जो करना जरा बात पर। फरमाते पर्दे के पीछे बिठाया, मैं भी बैठ गया तो बीबी आई और जचे तुले लफ्जों में फटाफट उसने बात शुरू कर दी। इमाम साहब फरमाते बूढ़ी थी पर उसने बात छेड़ी पर्दे के पीछे बैठ के, तो बड़े जचे तुले दो तीन जुमलों में कहने लगी, इमाम साहब मसला पूछना है। फिर मैं पूछो, कहते मैं बड़ा तैयार था और मैं अल्लाह ने बड़ा इल्म से उन्हें नवाजा था, कहते मैं परेशान कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये बीबी परेशान कर गई। फरमाते हैं मैंने कहा बीबी पूछो, कहने लगी हुजूर मैं मेहनत की कमाई से रोटी खाती हूँ, चरखा रखा हुआ है, सूत काट के उसकी कमाई खाती हूँ, सारा दिन मजदूरी करती हूँ, कभी कभी काम रह जाता है तो चौदहवीं के चांद की रोशनी में छत पे बैठ जाती हूँ, तो चरखा काटती हूँ, बादशाह का लश्कर मेरे करीब से कभी कभी गुजरता है, उनके पास बड़ी बड़ी लाल टहने बड़े बड़े, उनके पास रोशनी के बंदोबस्त होते हैं, लश्कर बादशाह का गुजरता है तो बहुत बड़ा लश्कर होता है, कई किलोमीटर तक वो गुजरता जाता है, तो कई दफा अचानक उसकी रोशनी भी मेरे चरखे पे पड़ जाती है। मसला ये पूछना है कि उस रोशनी में जो मैं सूत काटती हूँ उसकी कमाई मेरे लिए हलाल है कि हराम है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मैं तड़प के रोया, बीबी तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं।